हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज है डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ है गाइस हमारे पास स्टेशनरी सेट गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सारी चीज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी सी दोस्तों एक गो टू द मून की ज्योमेट्री बॉक्स है। काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया ओनली 350 रुपीज का। तो चलो दिखा दो ज्योमेट्री बॉक्स, फिर आप मुझे बताना आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी। तो ढक्कन ओपन करते हैं, पहले ढक्कन को ओपन करते गाइस हमें यहाँ मिलता कैलकुलेटर दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी बड़ा कैलकुलेटर मिलता। और ये कैलकुलेटर तो 360 रोटेट भी होता है। अरे वाह, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त। और ये देख सकते हैं कैलकुलेटर वर्क भी कर रहा है। ये देखो दोस्तों, ऑन ऑफ का अलग अलग बटन भी मिल जाता है। बटन की क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों बटन भी मिल जाते हैं दोस्तों, काफी सुपर, काफी अमेजिंग। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस एक ट्रे पे गाइस हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हो अल्फाबेट मिल गया हमें ट्रे पे, और ट्रे में भी काफी अच्छा स्पेस है, और इसमें भी हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। नीचे वाले कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, और इस वाले कंपार्टमेंट में भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। गहराई आप देख सकते हो दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिया तो नेक्स्ट है हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारा से एक BTS की ज्योमेट्री बॉक्स। काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और चलो ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में एक सेक्शन मिलता है दोस्तों, और काफी अच्छा स्पेस है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते यहाँ देखो एक कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट में हमें दो सेक्शन मिल जाते हैं, और इस वाले कंपार्टमेंट में हमें 5 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हो काफी अमेजिंग, और इस सेक्शन का डिजाइन देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है। चलो इसे बंद करते हैं, नीचे गए एक शटर मिलता है, इस शटर को खींचते हैं तो इस शटर में गाइस हमें मिल जाता है एक व्हाइट बोर्ड। ये देखो दोस्तों, है ना काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। तो ये व्हाइट बोर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स है BTS की, तो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 180 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास रोलिंग क्रेयॉन्स कलर दोस्तों, और ऐसे क्रेयॉन्स कलर आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। और इस क्रेयॉन्स कलर को मैंने परचेज किया ओनली 100 रुपीज का। चलो दिखाता हूं ये क्रेयॉन्स कलर, फिर आप मुझे बताना आपको ये रोलिंग क्रेयॉन्स कलर कैसे लगे। तो ये देख सकते हो डिजाइन कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग है। एक कलर उठाता हूं, दिखाता हूं दोस्तों आपको कलर से। ये देख सकते हो कलर है, काफी अमेजिंग है। ढक्कन ओपन करेंगे तो ढक्कन ओपन करते ही इसके अंदर गाइस हमें मिल जाते क्रेयॉन्स कलर। अभी छोटा क्रेयॉन्स कलर है, फिर नीचे वाले पार्ट को रोल करेंगे तो ये देखो दोस्तों आगे क्रेयॉन्स कलर निकलना चालू। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग देख सकते हो। और कितना बड़ा दोस्तों साइज का हमें क्रेयॉन्स कलर मिल जाते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी दोस्तों काफी सुपर है। टोटल गाइस हमें 12 सेट्स मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो आपको ये रोलिंग क्रेयॉन्स कलर कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ, चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक एवेंजर का कलरिंग फ्रेम सेट दोस्तों, और इस सेट में गाइस हमें काफी चीजें मिलती है। और क्या क्या चीजें मिलती है, तो इसके अंदर गाइस हमें 6 कलरिंग सीट मिलेगी, और 12 कलर स्टिक्स मिलेंगे, और 6 स्ट्रिंग्स मिलेंगी दोस्तों इस सेट के अंदर। और इसे मैंने परचेज किया 299 रुपीज का। चलो देखते हैं इसके अंदर हमें कैसे कलरिंग सीट मिलते हैं 6 तरह के, और ये एवेंजर के कौन कौन से एवेंजर मिलते हैं ये भी देखते हैं इसके अंदर। तो बॉक्स से निकाल लेते हैं सारी चीजों को दोस्तों, और देखते हैं कैसी चीज है। तो ये देखो दोस्तों, ये हो वाओ काफी अमेजिंग। और इस अंदर तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर एक शीट है, और इस शीट पे दोस्तों कैप्टन अमेरिका की फोटो देखने को मिल जाती है। सेकंड शीट पे ये देखो दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, अगर पता हो तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड शीट पे भी एवेंजर की फोटो मिल गई। तीसरे शीट पे गाइस ब्लैक विडो की फोटो देखने को मिल जाती है। फोर्थ शीट पे दोस्तों हमारा आयरन मैन की फोटो देखने को मिल जाती है। फिफ्थ शीट की बात करते हैं, फिफ्थ शीट पे दोस्तों हमें थॉर की फोटो देखने को मिल जाती है। सिक्स्थ शीट पे गाइस हमें हल्क की फोटो देखने को मिल जाती है। और आपका सबसे फेवरेट एवेंजर कौन सा है दोस्तों, ये भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मेरा सबसे फेवरेट तो है गाइस हल्क। आपका सबसे फेवरेट एवेंजर कौन सा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो और देखते हैं, तो इसके अंदर गाइस मिलते हैं हमें ऑयल पेस्टल कलर, ये देख सकते हो। और ये स्कूडल कंपनी की तरफ से आते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हो कितने रुपए के है, और 50 रुपीज के गाइस हमें ऑयल पेस्टल कलर मिल जाते हैं। ऑयल पेस्टल कलर कैसे होते हैं चलो दिखा देता हूँ। तो ये होते हैं गाइस ऑयल पेस्टल कलर, और इसके अंदर गाइस हमें एक फ्री में स्क्रबिंग टूल भी फ्री
फ्री में मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और गाइस इसके अंदर मिलते हैं हमें 6 कलर की रस्सियां, ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग। इन पे गाइस हम अपने कलर करेंगे दोस्तों, फिर इन रस्सियों से दोस्तों इसे बांध के हम अपने वॉल पे लटका भी सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और इन शीट पे जो बॉर्डर बने ना, ये काफी अमेजिंग लग रहे हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, ये है गाइस हमारे पास मरमर प्रिंसेस की पेंसिल पाउच है, काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारी पेंसिल पाउच है। चलो ओपन करके दिखाता हूं इसमें कितना स्पेस है। ऊपर गाइस एक गिलास है, इस गिलास में गाइस हमें ग्लिटर और सीक्वेंस भरा हुआ मिल जाता है, जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस पेंसिल पाउच को, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। और बीच में गाइस आप देख सकते हो मरमर प्रिंसेस तैर भी रही है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। जिप की बात करें तो जिप की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। और काफी साइनिंग का दोस्तों ये पेंसिल पाउच है, और इस पेंसिल पाउच को मैंने 350 रुपीज का परचेस किया। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस पेंसिल पाउच के अंदर। तो ये देख सकते हो ओपन किया, ओपन करते ही कुछ अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ का एक पॉकेट मिल जाता है, नेट वाला पॉकेट है जिसके अंदर काफी अच्छा स्पेस है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। बीच वाले पार्ट में गाइस हमें 1, 2, 3, 4, 5 लॉक मिल जाते हैं। इसके अंदर गाइस हम अपनी पेंसिल पेन या कुछ भी चीज को लॉक करके रख सकते हैं। तो नीचे वाले कंपार्टमेंट की बात करते हैं, नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी गहरा स्पेस है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको मरमर प्रिंसेस पेंसिल पाउच कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी क्वालिटी वाकई में दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है। सो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारी एक डोरा की काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने 100% कभी भी नहीं देखी होगी। चलो ढक्कन ओपन करता हूं, ढक्कन ओपन करके दिखाने में कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ढक्कन ओपन करते ही पहले कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 3 सेक्शन मिल जाते हैं, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। और पहले वाले सेक्शन में दोस्तों हमें मिलते 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिलते हैं, जिसमें गाइस हम अपनी पेंसिल को इस तरह लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों, काफी गजब। साथ ही दोस्तों हमें एक डस्टर मिल जाता है इसके अंदर, और एक मिलता है हमें व्हाइट बोर्ड मार्कर दोस्तों, यानी इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें व्हाइट बोर्ड भी मिलेगा दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। चलो ट्रे को हटाते हैं, ट्रे को हटाते नीचे कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर का में रूलर मिल जाता है, देख सकते हो, और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और नीचे गाइस एक और कंपार्टमेंट है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 195 रुपीज की परचेज करी है। चलो नीचे वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं। तो नीचे वाले कंपार्टमेंट को ओपन किया तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड, और वाह काफी अमेजिंग। और देख सकते हो ये व्हाइट बोर्ड खुलने के बाद कितनी प्यारी लग रही है ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। तो ये डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग है। चल साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज देखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का बॉक्स, और इस बॉक्स में मिलता हमें बहुत ही प्यारी चीज। चलो क्या मिलता फिर आप मुझे बताना, आपको ये चीज कैसी लगी। तो ओपन करते हैं, निकालता हूं बॉक्स से, तो निकालते हैं और देखते हैं क्या चीज है। तो ये है गाइस एक यूनिकॉर्न का बॉक्स, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग था दोस्तों। बैक साइड में हमें कुछ नहीं मिलता, ओपन करते हैं, ओपन करते गाइस हमें एक साइड मिल जाता है मिरर, ये देख सकते हो मिरर मिल जाता है। और एक साइड गाइस हमें मिलता है पुश वाला कंगा, ये देख सकते हो। हेयर ब्रश मिल गया दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। नीचे से गाइस पुश करेंगे, ऊपर गाइस हेयर ब्रश मिल जाएगा दोस्तों। ब्रश की क्वालिटी देख सकते हो कितना सुपर, कितना अमेजिंग है, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों ये ब्रश है, काफी सुंदर, काफी अच्छा था। तो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक फ्रोजन की ज्योमेट्री बॉक्स, ये काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में गाइस हमें नेविगेशन भी मिल जाता है, साथ ही दोस्तों हमें इसमें एक शार्पनर भी मिल जाता है। फ्रंट में दोस्तों हमें मिलते हैं 2 बटन, और यहां देख सकते हो हमें 3 लॉक मिलते हैं। और इनका पासवर्ड क्या है, इनका पासवर्ड है 118। तो 1 को हम सेट कर लेंगे, और सेकंड लॉक पे भी 1 को सेट कर लेंगे, और तीसरे लॉक पे भी दोस्तों 8 को सेट कर लेंगे। फिर ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करेंगे, ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करने के लिए दोस्तों ऊपर वाले लॉक को ऑन करना पड़ेगा, फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन करते ही गाइस एक मिलता है कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 2 सेक्शन मिल जाते हैं, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग था दोस्तों। साथ ही दोस्तों 2 बटन मिलते हैं, एक बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया दोस्तों, सेकंड बटन को दबाया तो ये देख सकते हो छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आया। इसके अंदर गाइस हम इरेजर या शार्पनर कुछ भी चीज रख सकते हैं, शार्पनर तो हमें यहां फ्री में मिल गया, तो हम इरेजर या कुछ भी चीज और रख सकते हैं। चलो इसे बंद करते हैं, फ्रोजन की ज्योमेट्री बॉक्स है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करने के लिए दोस्तों हमें यहां वाले बटन को दबाना पड़ेगा, फिर ढक्कन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इस वाले बटन को दबाएंगे, और ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन, और काफी गहरा कंपार्टमेंट मिल जाता है इसमें हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। यहां देख सकते हो टेबल देखने को मिल जाती है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों,
उसको, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। चलो साइड रखता हूँ। तो आपको ये फ्रोजन की तीन लॉक वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास X1 सुपर रेसिंग कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ये काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज करी है ओनली 160 रुपीज की। मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है, क्वालिटी देख सकते हो कितनी सुपर कितनी अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, इसके अंदर मिलते हैं हमें ये देखो दोस्तों तीन सेक्शन, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन। नीचे वाले सेक्शन में काफी अच्छा स्पेस है, इसमें हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। बीच वाले सेक्शन में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हो जिसमें टेबल है और काफी अच्छा स्पेस है और इसमें हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगी। चारों तरफ से ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। ऊपर गाइज हमें मिलता है एक लॉक और इस लॉक में गाइज हमें मिलता है ये देख सकते हो बुक सेल्फ स्टैंड गाइज, ये देख सकते हो यानी बुक स्टैंड मिल जाता है जिसमें गाइज हम अपनी बुक को रख के काफी इजिली से स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग बुक स्टैंड तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है दोस्तों। इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स में हमें बुक स्टैंड मिल गया काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों, और तीन तीन सेक्शन भी मिल गया ये देख सकते हो। इस पे गाइस हम अपनी बुक को अच्छे से रख के स्टडी कर सकते हैं कुछ इस तरह से देख सकते हो। दो लॉक भी हैं जिससे काफी इजीली से हमारी बुक रह जाएगी इसके ऊपर, फिर हम काफी इजीली से स्टडी भी कर सकते हैं दोस्तों। काफी सुंदर काफी प्यारी सी दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा काफी अमेजिंग सा सेलो का मार्की परमानेंट मार्कर दोस्तों। और ये ऐसा मार्कर है ना जिसे दोस्तों हम अपनी टी शर्ट पे, शूज पे या गिटार पे डिजाइन भी बना सकते हैं और मिटेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है। डिजाइन हम अपने टी शर्ट पे कुछ इस तरह बना सकते हैं, शूज पे कुछ इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। और इस सेट को मैंने परचेज किया 160 रुपीज का। टोटल गाइज हमें मिलती है 12 सेट और बॉक्स की पैकिंग देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। चलो निकालता हूं दिखाता हूं दोस्तों आपको ये मार्की, फिर आप बताना आपको कैसे लगे। तो ये देख सकते हो कितने कलरफुल मार्की है दोस्तों। टोटल सेट दोस्तों हमें 12 नहीं मिलते, टोटल हमें मिलते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स मिलते हैं। तो ये देख सकते हो एक मार्की अलग रखा हुआ है बिल्कुल, ये क्यों अलग रखा है चलो देखते हैं इसकी टिप और चलता कैसा ये भी देखते हैं। तो ये देख सकते हो इसकी टिप कितनी जबरदस्त है, चलता कैसा है ये देखो दोस्तों, अरे वाह काफी अमेजिंग। और इसके अंदर से खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों मार्की है। और इन मार्कर से दोस्तों आज मैं अपने टी शर्ट पे गाइज डिजाइन भी बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप डिजाइन बनाओगे तो आप कौन सा डिजाइन बनाओगे अपने टी शर्ट पे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एक यूनिकॉर्न का पेंसिल सेट, और ऐसा पेंसिल सेट आपने नहीं देखा होगा। चलो निकालता हूँ, और इस पेंसिल सेट को मैंने परचेज किया ओनली 200 रुपीज का दोस्तों। चलो दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या चीज मिलती है और कितनी चीजें मिलती है। तो ये देख सकते हो इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 4 तो पेंसिल मिलती है, और उसके अंदर गाइस हमें घोड़े मिलते हैं। और घोड़े क्या है चलो दिखाता हूं साथ। उससे पहले गाइस इसमें मिलता हमें कंटेनर, ये देख सकते हो कंटेनर मिल जाता है यूनिकॉर्न का। और ये कंटेनर नहीं है, ये है एक शार्पनर, ये देख सकते हो काफी सुंदर काफी प्यारा सा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, कंटेनर लुक में है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर गाइस हमें मिलती है 4 पेंसिल, चारों पेंसिल को निकाल लेता हूं। और सबसे अच्छी बात है चारों पेंसिल के नीचे गाइस हमें मिल जाते हैं इनके स्टैंड, ये देख सकते हो पेंसिल स्टैंड मिल जाते हैं। और ये स्टैंड नहीं है दोस्तों, ये है इरेजर, ये देख सकते हो इरेजर है, काफी सुंदर और काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों इरेजर है। और ये गोल पेंसिल है, पेंसिल की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है, साइज भी काफी अच्छा है। बीच में घोड़े मिलते हैं तो घोड़ों को निकाल लेंगे। और दोस्तों ये घोड़े नहीं है, ये भी है इरेजर दोस्तों, काफी अमेजिंग। चार पेंसिल तो मिली, चारों पेंसिल सेम है बट इनके बीच में जो घोड़े मिले हैं वो काफी कलरफुल मिले। ये व्हाइट वाला घोड़ा, ये देख सकते हो ग्रीन वाला, ये पर्पल वाला, ये पिंक वाला। तो आपको सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा लग रहा है? और ये इरेजर है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके नीचे जो हमें स्टैंप यानी स्टैंड मिले ना, ये काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। इसमें गाइस हमें 800 इरेजर मिल गई और 4 पेंसिल मिल गए दोस्तों, और एक शार्पनर मिल जाता है हमें काफी सुंदर सा। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का काफी सुंदर काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है बस लुक में दोस्तों। और ये देख सकते हो नीचे गाइस हमें मिल जाते हैं 6 व्हील, और सबसे अच्छी बात है इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं दोस्तों। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। फ्रंट में दोस्तों हमें 2 बटन मिलते हैं, इन दोनों बटन को दबाते हैं। पहले बटन को दबाया तो एक कंपार्टमेंट बाहर आ गया दोस्तों, सेकंड बटन को दबाया तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ जाता है। और इनके स्पेस की बात करें, गहराई की बात करें तो काफी अच्छी गहराई है इसमें दोस्तों, हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं एक पॉकेट है, पॉकेट में गाइस हम क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी बड़ा पेंसिल लॉक मिल गया दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया, ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों हमें लिखा है
पुश, पुश करेंगे तो क्या मिलता है, तो पुश करते ही गाइस इसके अंदर मिल जाता हमें दो सेक्शन, एक सेक्शन में तो दोस्तों हमें शार्पनर मिल गया और एक सेक्शन और मिल गया, इसमें गाइस हम इरेजर या कुछ भी चीज रख सकते हैं, ये काफी अमेजिंग। इसके बोनट को खोलते ही इसके अंदर गाइस हमें शार्पनर और इरेजर कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और ये ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेस किया 250 रुपीज का, फिर साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी सी दोस्तों एक स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, चलो ओपन कर देखते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर, ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिला एक और छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स, अरे वाह काफी सुंदर यार, काफी जबरदस्त छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसे चलो ओपन करते देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है, इसमें दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। स्पेस की बात करें तो ये देख सकते हो एक ट्रे है, ट्रे में दोस्तों टेबल देखने को मिल जाती है, और दोस्तों नीचे एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों, इसमें काफी गहराई है और जिसमें दोस्तों देख सकते हो काफी इजिली से हमारी छोटी वाली ज्योमेट्री बॉक्स आ भी जाती है, गहराई समझ सकते हो कितनी गहराई है, काफी अच्छा स्पेस है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है, काफी सुंदर काफी अमेजिंग सी दोस्तों। साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्पाइडरमैन की काफी सुंदर और 3D वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसका लॉक देख सकते हो कितना अमेजिंग है, काफी अच्छा लॉक मिल गया और 3D लुक में ये स्पाइडरमैन है दोस्तों, ये देख सकते हो सुपर 3D ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, ट्रे पे गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गया दोस्तों, इसे हटाते हैं तो नीचे देख सकते हो हमें एक पेंसिल मिल जाती है, साथ ही गाइस हमें एक स्टिकर मिल जाता है, इस स्टिकर पे गाइस हम अपना नाम सब कुछ लिख सकते हैं। गाइस एक 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है स्पाइडरमैन का, ये देख सकते हो, साथ ही दोस्तों हमें एक पेंसिल मिलती है और एक इरेजर मिलती है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी सुंदर है, काफी जबरदस्त है, स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक ऑलवेज स्माइल की ज्योमेट्री बॉक्स, छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स है, और ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलते हैं 2-3 कंपार्टमेंट, वो कैसे, तो पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, ऊपर वाले कंपार्टमेंट को में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, ऊपर एक ढक्कन मिल गया दोस्तों, इसमें सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते इसमें मिलता है हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और हम अपनी पेंसिल को लॉक करके इस तरह से रख सकते हैं, काफी अमेजिंग। गहराई की बात करें, गहराई काफी अच्छी है, काफी अच्छा स्पेस है, इसमें हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगी दोस्तों, काफी सुंदर है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी सी एक रैबिट वाली ज्योमेट्री बॉक्स, देख सकते हो काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, और सबसे अच्छी बात इसमें दोस्तों हमें 4 व्हील मिलते हैं, चारों व्हील से दोस्तों हम इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ टाइम पास कर सकते हैं, व्हील मिल गए तो हम इसके साथ काफी अच्छा सा टाइम पास खेल सकते हैं, ये देख सकते हो, और ये काफी अच्छी चलती भी है दोस्तों, ये देख सकते हो काफी सुंदर। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस मिल गया, और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल गई दोस्तों, काफी सुंदर काफी प्यारी। तो ये आपको ये हैप्पी रैबिट की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक चॉकलेट नोटबुक दोस्तों, ये देख सकते हो काफी सुंदर नोटबुक है, काफी प्यारी नोटबुक है, चलो दिखाता हूं नोटबुक कैसी है, और फिर आप बताना आपको ये चॉकलेट नोटबुक कैसी लगी। तो ये देखो दोस्तों इसकी क्वालिटी ऐसी लग रही है भाई, बिल्कुल रियल की चॉकलेट है, ऐसा लग रहा है बिस्किट है दोस्तों ये, बट बिस्किट नहीं है, ये है डायरी, और इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है, ये देख सकते हो काफी अच्छी डायरी मिल गई दोस्तों, पेजेस की बात करें काफी सारे पेजेस भी मिल गए, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक बिस्किट लग रहे हैं दोस्तों, और इसे देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। चलो साइड रखते हैं, तो दोस्तों आज का था ये कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, अगर आप ऐसी कलेक्शन का वीडियो देखना चाहते हो तो कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप किसी कलेक्शन का वीडियो देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस कलेक्शन का वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन, अच्छे से अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।